जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। और ये मैंने रेसिपी बनाई है, ऐसी कंडीशन में बनाई है दोस्तों। ये मत कहना कि आँखों से देखने से नहीं फैलता है, और ये तो इंफेक्शन है, हो ही जाता है। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना मेरे ऊपर। देखिए दोस्तों, सब्जी रखी है तो अब हम ये कुछ नई चीज़ बनाएंगे। तो मैं प्याज, गाजर या हरी मिर्ची काट ले रही हूँ, उधर आलू छिल रहे हैं। ये गरम मसाले ले लिया है, और ये सब्जी मसाला है, और ये शाही पनीर मसाला है। कोई भी मसाला ले ले, शाही का कोई भी ले ले। और ये जीरा ले लिया है, और आलू, और इसमें स्वीट कॉर्न ले लिया है, हरी मिर्ची, गाजर और प्याज काट लिया, धनिया ले लेंगे, और लाल मिर्ची और नमक ले लेंगे। अभी हम इसको फोड़ लेंगे आलू को, देखिएगा इसको महीन कर ले रहे हैं, देखिएगा। और हम डाल देंगे इसमें मिर्ची कटी हुई, और ये स्वीट कॉर्न डाल देंगे, और ये प्याज डाल देंगे आपको जितना पसंद हो, और ये गाजर डाल देंगे इसमें। मिर्ची ज़्यादा हो जाएगी इसलिए मैंने आधी डाल दी है। हरा धनिया डाल देंगे ढेर सारा। अब डाल देंगे हमने जो मसाले बताए हैं, ये सब शाही मसाला डाल देंगे इस पे। ये सब्जी मसाला डाल देंगे, और ये गरम मसाला डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे। जीरा डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आटा ले लिया है जो घर पे खाते हैं, वो गेहूं का आटा ले लिया, और इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और इसको भी साफ करके, हरा धनिया थोड़ा सा ड्राई करके डाल दें तो ज़्यादा सही रहे। आप इसमें पनीर भी मिला लीजिए, चीज़ हो तो चीज़ मिला लीजिए। मैं पनीर मिला रही हूँ, पनीर है मेरे पास, तो इसको मिक्स कर ले रहे हैं। बनाऊंगी तो देखिएगा, ये सारे बना के दिखा देती हूँ। तो ये आटे में धनिया डाल दिया है, उधर मैंने पनीर मिक्स कर दिया है और ये छोड़ दिया था। और अब डाल लेंगे हम इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़े से हमें वैसे चाहिए क्रिस्पी। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, जो नॉर्मल होते हैं वो 2 स्पून के लमसम। तो इसमें डाल दिया कुकिंग ऑयल, और डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार दोस्तों, वो क्लिप मिस हो गई है। और डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी और सफ़ेद वाला तिल, और इसको रोटी की तरह से लगा लेंगे, एकदम टाइट नहीं लगाएंगे, रोटी का जैसे नॉर्मल आटा होता है वैसे लगाएंगे, क्योंकि हमें रोटी के जैसा चाहिए सॉफ्ट डो, और ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये सबकी आँखें आ गई हैं, तो मैंने कहा बच्चों को कुछ स्पेशल खिला दे, तो ये मैं कुछ अलग स्पेशल बना रही हूँ। ना कचौड़ी है, ना समोसा है, और ना ही पिज्ज़ा। आप अगर इस तरह रेसिपी को बनाओगे तो समोसा पिज्ज़ा भूल जाओगे। लिया पेड़े भी काट लिए इतने बड़े, पूरी जितने, और ये इधर ये बना कर रख दिए हैं। किस तरीके से बनाएंगे हम अभी मैं दिखाती हूँ। गर्म होने रख दी है, और ये इधर ले लिए, और ये बेलेंगे हम इतना सा भी, इस तरीके से हल्का सा, हल्का सा बेल के, और इसको इस तरीके से रख लेंगे, और इसको खींचते हुए इसको बंद कर लेंगे, इस तरीके से बंद कर लें। तो अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो इस तरीके से तोड़ के अलग कर दें, और इसको
रख दो। फिर से दिखा दे रही हूँ मैं, इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे और ये इस तरीके से डालते हुए दबाते हुए बंद कर लें। इसको फिर घुमाते हुए प्रूव कर लें हो गई है, तो इसमें डाल देंगे रिफाइन। इसको गर्म कर देंगे, ये ऑयल गरम हो गया है दोस्तों और बिल्कुल हल्का, पहले गरम करके फिर एकदम स्लो गैस कर दिया है और स्लो पे ही सेकेंगे, नहीं तो क्रिस्पी नहीं रहेंगे, कचौड़ी जैसे हो जाएंगे। और ये हमें सेकने हैं जैसे मठरी टाइप के सेकते हैं ना समोसा टाइप के, तो इसको चलाते हुए कम, बिल्कुल कम गैस पे सेकेंगे। दोस्तों आँखें आ गई हैं सबकी, तो फिर सोचा कि बच्चों के लिए कुछ अलग बना दें, पता नहीं कै दिन आँखें रहें क्या है खाना कैसे मिले। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना और जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक। और दोस्तों जो डाइट वाले हैं उनको ये अप्पे वाला स्टैंड होता है उसमें इस तरीके से सेक सकते हैं, तो मैंने ये भी बना के दिखा दिए हैं अप्पे वाले स्टैंड में, इसमें हल्का सा ऑयल डाल के और इसको कहते हैं सेक। तो दोस्तों देखिएगा ये भी एकदम डाइट के लिए कम ऑयल में, और ये तो दोस्तों देखिएगा ये भी सिक चुके हैं, कितना अच्छा कलर आया है। और ये देखिएगा वो एकदम क्रिस्पी सेके हैं। तो ये अब इनको आलू के मोमोज कह सकते हो, फ्राई कुछ भी कह सकते हो, आलू की और आटे की रेसिपी बनाई है मैंने, एकदम नई रेसिपी है। और ये डाइट वालों के लिए है, हल्का सा ऑयल डाल के और इनको अच्छे से इनको भी सेक लेंगे और देखिएगा सिक गए हैं ये वो अच्छी तरीके से। तो डाइट पे हैं वो लोग, कम ऑयल में खाना चाहते हैं तो इस तरीके से सेक सकते हैं, और जो डीप फ्राई खाना चाहते हैं तो उस तरीके से सेक सकते हैं। दोनों तरह से ही मैंने बता दिया है। और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुँच जाए जो भी मैं वीडियो डालूँ। मन करता है दोस्तों आप शेयर नहीं करते हो, बहुत सारी रेसिपी वगैरह डालने का मन करता है, तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। देखिएगा इस तरीके से इनका कलर है दोस्तों, ये अच्छी तरीके से सिक गई हैं, ये कढ़ाई में सेकी हैं और ये अप्पे वाले स्टैंड में सेकी हैं। जो डाइट वगैरह करते हैं आप इस तरीके से सेक के खा सकते हैं और जो डीप फ्राई खा सकते हो। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय माता दी।